हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपल रेसिपीज़। आज हम बनाने वाले हैं एक इजी चॉकलेट कैरमल डेजर्ट। ये हम बनाएंगे बिना अंडे के और बिना जेलेटिन के। चॉकलेट पुडिंग जनरली बच्चों को बहुत पसंद आता है और इसको हम बहुत इजीली बना सकते हैं, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। आइए शुरू करते हैं बनाना। उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है और 4 चम्मच चीनी, साथ में लिया 1/2 छोटा चम्मच नमक। इसको मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे दूध। ये 1 कप दूध है, यानी 250 ml। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें डालूंगी मैं 1/4 कप चॉकलेट। ये मेरे पास चोको चिप्स थे तो मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास डार्क चॉकलेट है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे जब तक कि ये गाढ़ा हो जाता है, कि हमने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है तो ये बहुत जल्दी गाढ़ा होने लगेगा। और इसको चलाते रहेंगे, बीच में छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये लगना नहीं चाहिए नीचे। ये गाढ़ा होने लग गया है, चॉकलेट मेल्ट हो गई है तो इसका कलर काफी डार्क हो गया है। ये गाढ़ा हो गया है। अब हम इसको कप में पोर कर देंगे। आप कप में, ग्लास में, बाउल में, जिसमें भी इसको सेट करना चाहते हैं। फर्स्ट लेयर हमने उसकी डाली और उसको फ्रिज में रख दिया। अब हम शुगर कैरमलाइज करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 1/4 कप चीनी और इसको मीडियम फ्लेम में पैन में डाला। इसको हम कैरमलाइज करेंगे, हिलाते रहेंगे ताकि चीनी एक जगह से जले नहीं। ये मेल्ट होने लग गई है। जब शुगर कैरमलाइज होने लगती है तो उसके बाद इसका प्रोसेस काफ़ी जल्दी होता है, तो आपको उस समय ध्यान रखना है क्योंकि बहुत जलनी नहीं चाहिए ये। इसमें डाला मैंने 2 चम्मच बटर, 2 टेबलस्पून बटर डाला है। इसको फटाफट मिक्स कर देते हैं। अब इसमें मैं दूध ऐड करूंगी। अगेन 1 कप दूध, 250 ml दूध डाला मैंने और इसको मिक्स करते जाएंगे। दूध डालने के बाद इसमें डालूंगी मैं कॉर्नफ्लावर, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। ये प्रोसेस हमें थोड़ा जल्दी करना है और कॉर्नफ्लावर डालने के बाद फटाफट मिक्स करना है, क्योंकि लम्ब्स भी नहीं पड़ने चाहिए और कॉर्नस्टार्च है तो ये बहुत जल्दी कैरमलाइज होकर गाढ़ा भी होने लग जाएगा। ये हमारा कैरमल लेयर भी तैयार है। अब हम इसको सेट करेंगे। पहला लेयर चॉकलेट का जो हमने बनाया था। चॉकलेट लेयर डालने के बाद जब तक आप कैरमल लेयर तैयार करें तब तक आप उसको 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए। उसके ऊपर हम डालेंगे ये कैरमल लेयर। कैरमल लेयर को भी हम 2-3 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि वो हल्का सेट हो जाए। इसके ऊपर वापस हम थोड़ा सा चॉकलेट लेयर डाल देते हैं। मैंने ये जो मिक्स बनाया इससे मैंने ऐसे 4 ग्लासेस रेडी किए थे। इसको गार्निश कर देंगे बादाम से। रेडी है हमारा चॉकलेट पुडिंग।